नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मेरे 30 साल के पत्रकारिता के करियर में कभी कभी ही वो मौके आए हैं जब सिर्फ एक या दो तस्वीरों ने ही पूरी राजनीतिक कहानी कह दी हो। आज ऐसी ही दो तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर पड़ी रेड में 210 करोड़ से अधिक का कैश अभी तक बरामद हो जाना, और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन के दाहिनी तरफ कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत विपक्ष का संसद से बाहर आना। धीरज साहू कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं और शराब कारोबारी हैं, जो राहुल गांधी के करीबियों में बताए जाते हैं। धीरज साहू की और करीबियों में क्यों ना माने जाएं, ये तस्वीरें हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए। ये भी तस्वीरें हैं राहुल गांधी के साथ उनके ही ट्विटर हैंडल से, और ये तस्वीर है उनकी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तो राज्यसभा के सांसद हैं, करीबी भी हैं, आना जाना भी है। धीरज साहू का जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की ही हैं। 3 राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में धीरज साहू के तकरीबन 10 ठिकानों पर पड़ी रेड में बरामद रुपयों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुन। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री के इतने बड़े आरोपों के बावजूद राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब या सफाई नहीं आई है, और ये 2 दिन से तस्वीरें हैं बाहर। शायद दोनों नेता और पार्टी आज महुआ मोइत्रा के साथ कदम से कदम बढ़ाने में ज्यादा व्यस्त थी। माफ कीजिएगा। सवाल पब्लिक का है कि ईमानदारी के भाषण के बावजूद राहुल गांधी की 210 करोड़ के नोटों पर चुप्पी क्यों? कांग्रेस समेत विपक्ष के दल आरोप लगाते रहे हैं कि उनके खिलाफ आईटी, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहे, लेकिन धीरज साहू के मामले में तो बेहिसाब कैश सामने दिख रहा है। और धीरज साहू का केस इकलौता नहीं है, इससे पहले भी नोटों के बंडल मिलते रहे हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी। उधर महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन खुद उसके डिटेल्स बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से साझा करने को स्वीकार किया है। मतलब उनके नेताओं का सच सबके सामने है, लेकिन विपक्ष चित भी मेरी पट भी मेरी करता दिख रहा है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि हिसाब किसका होना चाहिए, नोटों के बंडल वालों का, पैसे लेकर सवाल पूछने वालों का, या एक्शन लेने वालों का? यही है आज सवाल पब्लिक का। धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ी रेड में अभी नोटों की गिनती जारी है। इनकम टैक्स को जो भर भर के नोट मिले हैं उन्हें गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, बरामद नोटों को गिनने में मशीनें हैंग हो जा रही हैं, गर्म हो जा रही हैं। अरे भैया, मशीनें हैं, कलपुर्जे जरूरत से ज्यादा गर्म होंगे तो खराबी आ ही जाएगी। नोट गिनने वाली मशीनों का यही हाल ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से बरामद नोटों का भी गिनने में हुआ था। तब भी मशीनें काम करना बंद कर दे रही थी। पार्थ चटर्जी केस में तो 50-52 करोड़ से अधिक का कैश और 5 करोड़ से अधिक का गोल्ड बरामद हुआ था। अब मैं आपको धीरज साहू के बारे में एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। 2018 में राज्यसभा में ये चुनावी हलफनामा है उनका। चुनावी हलफनामे में धीरज साहू ने अपनी संपत्ति बताई थी 34 करोड़ रुपए, 34 करोड़ रुपए, और अभी तक उनके ठिकानों से बरामद हुआ 210 करोड़ से अधिक रुपया। 34 करोड़ की आपकी संपत्ति है, 2010 करोड़ तो कैश में है,
कोई बिजनेस कागज पे होता है या नहीं होता है, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि देसी शराब बेचने में इतनी बरकत किसके बूते पर हो रही है? गरीबों के, जो देसी शराब पिला पिला कर आपको 210 करोड़ नगद में दे रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या ही कहूं कि इस मसले पर विपक्ष को प्रधानमंत्री के ट्वीट की भाषा पर एतराज है, तो किसी को इस मसले पर सवाल पूछे जाने पर ही परेशानी है। अजब गजब तर्क दिए जा रहे हैं। सुनिए विपक्ष के कुछ नेताओं के ये बयान। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि सर भ्रष्टाचार को लेकर अभी नेता बोलेंगे, 200 करोड़ रुपए जो है काउंटिंग हो चुकी है धीरज साहू के यहाँ। आप लोग अलायंस के पार्टनर है, क्या उसको भी डिनाई करेंगे कि वो पैसे कांग्रेस पार्टी के नेता के नहीं है? आप अपना नैरेटिव किसी और कहीं और चलाइए। थैंक यू। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का राजनीतिक जो है दुरुपयोग सत्ता में बैठकर केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। पिक एंड चूज जब करते हैं, जब ईडी की छापेमारी के तहत सजा हो जाए, कार्रवाई हो जाए और वह महाराष्ट्र में दुलरुआ बन जाए, तो सवाल तो उठेगा कि ईडी की कार्रवाई भी आप ही तय करते हो और उसके बाद राजनीति में गठबंधन भी आप ही करते हो। क्या कांग्रेस पार्टी इससे मना कर देगी कि ये उनके नेताओं के पैसे नहीं है? देखिए, जहां पकड़ा जाए, जहां भ्रष्टाचार हो, करिए, हम आपके साथ हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से, लेकिन जो भ्रष्टाचारी बना दिया गया हो और हो नहीं, या जिसके खिलाफ ऐसे एविडेंस रखे गए हों, उसको बोलने का मौका ना दिया गया हो, तो क्या ये जस्टिस है? जब सामने बरामद नोट दिख रहे हैं तो विपक्ष को फर्क नहीं पड़ रहा। तो उधर महुआ मोइत्रा मामले में विपक्ष ने बहुत पहले से विक्टिम कार्ड खेलने का प्लान बना रखा है। 2 नवंबर की एथिक्स कमेटी के सामने जब महुआ पेश हुई थी, तब ये कहकर हंगामा किया गया था कि एक महिला सांसद से अनैतिक सवाल पूछे गए। हालांकि मैंने सवाल पब्लिक का के इसी शो पर आपको दिखाया था कि जिन्हें अनैतिक सवाल कहे गए उनमें कौन कौन सी बातें पूछी गई थी। और आज जब संसद में ये मामला पेश होना था तो विपक्ष की ओर से ये दलील दी गई कि रिपोर्ट पढ़ने का समय ही हमें नहीं मिला और महुआ को संसद में अपना पक्ष रखने के लिए समय नहीं दिया जाए। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने नियमों और परंपराओं का हवाला देकर विपक्ष की मांग नामंजूर कर दी। बाद में ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। खुद को संसद से निकाले जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने कैंगरू कोर्ट का फैसला कहा, जबकि पहली बार इस मसले पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की एकता को सलाम किया। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. If this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Today I congratulate the Indian Alliance, all they are together, we are united, they fight back and party fully supporting Mohua's case, how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mohua to take her own stand. Mohua is a victim of the circumstances. Kattar imandari, vipaksh target par, loktantra khatre mein. Vipaksh ke corrupt netaon par hui karwaiyon ke baad aapko aise shabd kai baar sunne ko mile honge. इसके उलट बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप और राजस्थान में लाल डायरी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को चुनावों में पूरी तरह से हरा दिया। अब एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिला है। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है,
ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? तो आज सवाल पब्लिक का, बार बार विपक्ष के नेताओं के ठिकानों पर नोटों के बंडल पर बंडल, फिर भी मोदी पर सवाल क्यों? क्या महुआ मोइत्रा पर सोनिया राहुल ममता का विक्टिम कार्ड इंडी गठबंधन का मजबूत जोड़ अब बनेगा? देश को ईमानदारी का सिर्फ भाषण चाहिए या एक एक पाइक का हिसाब चाहिए? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल जी को, कांग्रेस के नेता हैं। और लोकेश जिंदल जी, मैं पूछना चाहती हूं, आप सरकार का विरोध करें ये आपका हक है, लेकिन 210 करोड़ एंड काउंटिंग अगर नोट निकले कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ठिकानों से, इस पर आपको लगता है कि 140 करोड़ जनता को कोई जवाब नहीं देना चाहिए? और ये तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए। पिछली बार का रिकॉर्ड था 50-52 करोड़, जो पार्थ चैटर्जी के एक सलाहकार के घर से मिला था। अब वो रिकॉर्ड बीट हो चुका है, 210 करोड़ पर जा चुका है और काउंटिंग अभी जारी है। लोकेश जिंदल जी, कहीं ना कहीं कुछ तो आंख की शर्म होगी जनता से जब आप जनता के पास जाते हैं। नाविका जी, मैं सच कहूंगा यहां पर। सबसे पहले तो जिन ठिकानों पर ये पैसा मिला है वो धीरज साहू जी के नहीं है, धीरज साहू के रिलेटिव्स के, उनके रिश्तेदारों के हैं। ज्यादा से ज्यादा जो नकद बरामद हुई है वो बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से बरामद हुई है, और अगर आप उसमें चेक करेंगे उसमें धीरज साहू डायरेक्टर भी नहीं है, उनके जो चार मेंबर डायरेक्टर हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। आप धीरज साहू जी को किस आधार के ऊपर जिम्मेदार ठहरा रही हैं अगर उनके घर वालों ने अपनी बिजनेस एक्टिविटी में टैक्स इवेजन किया है और कैश इकट्ठा हुआ है? जितनी भी कंपनी है, बलदेव साहू इंफ्रा जो फ्लाई ऐश का काम करती है, डिस्टिलरी जो लिकर बिजनेस के अंदर है, इन्होंने टैक्स इवेड किया है, और आईटी ऑफिशियल्स ने टैक्स बरामद की है। आईटी अपना काम करेगी और फाइन इंपोज करेगी। क्या ये जो रेड थी सीबीआई ने कंडक्ट की थी धीरज साहू जी के अगेंस्ट? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या हुआ है, इस रेड के बाद में इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक ढंग देने की कोशिश की गई है और मैक्सिमम पॉलिटिकल माइलेज एक झूठ फैलाकर इससे ऑब्टेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसे किसी भी करप्शन का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि सरकार ऐसे नियम लेकर आए जिससे कॉरपोरेट फ्रॉड बंद किया जा सके, लेकिन सरकार क्या कर रही है, कॉरपोरेट फ्रॉड बंद करने के बजाय सिलेक्टिव हो रही है। अगर अपनी कॉरपोरेट कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो उसे क्लीन चिट दे दो, लेकिन अगर विपक्ष की कॉरपोरेट कंपनी है या उससे एसोसिएटेड भी है तो उस मुद्दे को राजनीतिक ढंग बनाकर उसे पॉलिटिसाइज कर दो। मैं इसका विरोध करता हूं। चलिए, आप विरोध कीजिए, लेकिन ये उनका खुद का एफिडेविट मेरे हाथों में है। अब जिन रिश्तेदारों की आप बात कर रहे हैं, बलदेव साहू, धीरज प्रसाद, श्याम सुंदर, साहू केंदु लीव्स, और ये तमाम जो लोग हैं उनके जो आप कह रहे हैं कि रिश्तेदार हैं, ये सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं, HUF। उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं कहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और अगर ये रिश्तेदार अनडिवाइडेड फैमिली हैं के हैं, तो शहजाद पूनावाला आप समझा दीजिए कि धीरज साहू की कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? देखिए, कैश फॉर क्वेरी से लेकर कैश इन 9 अलमारी, मतलब INC का मतलब क्या हो चुका है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आई नीड कैश, और यही तो घोटाले की गारंटी है, पूरे इंडिया अलायंस की घोटाले की गारंटी। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे थे, याद है जब हम लोग असेंबली चुनाव में कहते थे कि राजस्थान में जल जीवन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, माइनिंग घोटाला, रेड डायरी घोटाला, छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम पे भी घोटाला हुआ, तो ये लोग आकर डिफेंड करते थे। तब तो सरकार का स्कैम था,
तब भी डिफेंड करते थे। आज जो निकला है, पहले तो फैक्चुअली करेक्ट करा दूं कि ये दीपक साहू के घर से भी, चाहे वो तितिला घर हो चाहे वो नेहरू सिटी में उनके घर हो, उधर से भी कैश बरामद हुआ है। और एक सांसद से अगर 200 करोड़, तो नाविका जी आप तो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है, 52 × 200 कर दीजिए, कितने करोड़ रुपए लूट रखे हैं इन लोगों ने। और देखिए आज कितनी विडंबना है, राहुल गांधी जो पूरे देश में घूमते फिरते रहते हैं, भारत जोड़ो से ज्यादा कैश जोड़ो कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी बताए ना कि इस पर चुप क्यों है, हो सकता है राहुल गांधी स्वयं 400 BC इनकम टैक्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले में शामिल है, तो उनकी तो कोई नैतिकता नहीं बची बोलने की। लालू जी और RJD की तो कोई नैतिकता है नहीं वैसे भी बोलने की, 4 बार कन्विक्टेड है। समाजवादी पार्टी तो टोटी तक को नहीं छोड़ती, उसको भी छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी आज कैसे चुप है? आज कम से कम मुझे लगा कि दूरबीन से देखने के बाद कम से कम आम आदमी पार्टी का एक तो ट्वीट आता कि नहीं नहीं, ये तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होना चाहिए, हम अन्ना जी के सारे शिष्य हैं, हम लोग इसको नहीं स्वीकारते, हम इनके खिलाफ है, हम इस्तीफा देंगे, हम तोड़ देंगे अलायंस। कुछ नहीं, आज तो आम आदमी पार्टी भी चुप है। और मुझे लगता है झारखंड का जहां तक सवाल है, क्योंकि ओडिशा झारखंड में स्कैम है, वहां पर तो झारखंड लैंड स्कैम, मनरेगा स्कैम, कोयला स्कैम, रूरल डेवलपमेंट फंड स्कैम, शराब स्कैम, ये सारे स्कैम चल ही रहे हैं। तो मान्यवर लोकेश जी इसके बारे में जवाब दीजिए, ये तो वही है ना कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, पकड़े गए तो चिल्लाएंगे। और इससे पहले कि कोई जवाब आए, मैं दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन पर, अभी ताजा ताजा काउंटिंग हो चुकी है। आज ये 210 करोड़ मुझे लगता है सुबह 11-12 बजे के समय का था, अभी के लेटेस्ट फिगर जो आए हैं 300 करोड़ एंड काउंटिंग। 300 करोड़ में 500 रुपए के नोटों के बंडल, 200 रुपए के नोटों के बंडल, 100 और 50 रुपए के नोटों के बंडल। अब अनुराग भदौरिया जी, इतने पैसे कहीं देखे हो तो गरीबों को भी दिखा दीजिए, क्योंकि आप लोग सब गरीबों की और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है एक टूरिस्ट स्पॉट बनाकर ऐसे नेताओं के घर पर ले जाना चाहिए, कम से कम गरीब देख तो सके कि ये नोट दिखते कैसे हैं जो सांसदों के घर और उनके बिजनेसेस पर मिलते हैं। मैं आपकी बात से नाविका जी पूरी तरह सहमत हूँ। अगर कोई इस देश के अंदर में करप्शन कर रहा है, और ये इनकम टैक्स के माध्यम से, चूंकि अभी तो पता नहीं चला करप्शन का पैसा है कि उनके बिजनेस का पैसा, अगर पता चलता है करप्शन का है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बेंगलोर में जब 8 करोड़ रुपये पकड़े गए थे BJP के MLA के यहाँ, उसकी भी तो खबर होनी चाहिए ना, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों साथ जाती है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी के MLA ने जो जिसके घर में 8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे वो क्या था। तीसरी बात, जिसे पार्लियामेंट के अंदर में, अभी आपने महुआ मित्रा जी की बात की, इसी पार्लियामेंट के अंदर में आपको याद होगा एक रमेश विदुड़ी भी थे जिन्होंने सांसद का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, सांसदों का अपमान किया, हमारे संविधान का अपमान किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, या BJP ने क्या कार्रवाई की, प्रमोशन दे दिया उनको, ये भारतीय जनता पार्टी का न्याय है क्या? इसी पार्लियामेंट के अंदर में आपको याद होगा 2005 24 दिसंबर, जब यहां पे 10 सांसदों को, अगर राज्यसभा एक मिला दिया, 11 सांसदों को यहां से निलंबन कर दिया गया था, उनको उनकी सदस्यता टर्मिनेट कर दी गई थी, उसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के भी थे। तब उस समय के विपक्ष के लीडर थे आदरणीय लाल किसान वानी जी, और BJP के नेता वॉकआउट कर गए थे वोटिंग के दौरान, और कहा था कंगारू कोर्ट है, और आडवाणी जी ने कहा था, आदरणीय आडवाणी जी ने कहा था कि न्याय सही नहीं है, पनिशमेंट जरूरत से ज्यादा दे दिया गया है। तो क्या आज BJP के प्रवक्ता सजाद बोलेंगे कि जो उनके BJP के उस समय के आदरणीय आडवाणी जी ने बोला था कि जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट है, तो क्या आज ये जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, इसका कोई जवाब है? और कैस का कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं दिखा है कहीं पे, बातें हुई हैं वहां तो ऑन कैमरा पैसे का लेन देन भी दिखा गया था, कैमरे में कैद था, क्योंकि वो इंस्टिंग ऑपरेशन था, उसके बारे में तो क्या इनकी राय है ये भी बता दें। तो मैं जानती हूं, मैं उस वक्त संसद में थी, एज अ रिपोर्टर कवर कर रही थी, और उनकी बात नहीं सुनी गई थी और निष्कासित किए गए थे। तो आप किस बात का दर्द है शहजाद पूनावाला, उसका बता दीजिए क्या इलाज है, क्योंकि अवनीजेश जी को भी बोलना है। मैं तुरंत बात रख दूं, पहले तो BJP के जो MLA थे उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ मिला था, हमारी ही लोकायुक्ता की पुलिस ने रेड की थी, और ना केवल उसके बेटे को अरेस्ट किया, वो भी अरेस्ट हुआ और उसको हमने टिकट भी काटा। अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस व्यक्ति को बाहर करेगी राज्यसभा से, करेगी? हाँ या ना? मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, अनुराग जी बीच में मत बोलिए, यही समस्या है मैम रविका जी, इसलिए मैं इनसे ऐसे डिबेट ही नहीं करता, क्योंकि ये बीच में ही बोलने की बीमारी है भाई। पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इनकी समस्या ये है कि इनके कानों में हड़ताल है, सिर्फ मुंह पर इनकी कंट्रोल नहीं है, ये बोले जाते हैं आउटगोइंग फ्री इनकमिंग बंद।
अब देखिए दूसरी बात, इन्होंने 2005 का उदाहरण गिना है। अरे 2005 में मान्यवर 12 दिसंबर की घटना, 23 दिसंबर तक इंक्वायरी समाप्त, रिपोर्ट सबमिट और उसी दिन पर रिपोर्ट एक्सेप्टेड, तो बताइए तब वो प्रक्रिया सही और आज वो प्रक्रिया गलत कैसे हो गई? उस समय पर 10 सांसदों की कौन सी बात संसद में सुनी गई और 10 सांसदों को मौका मिला, एथिक्स कमेटी में मिला, तो आज वही प्रक्रिया अपनाई गई। 1951 में भी वही प्रक्रिया थी, परंतु आज भ्रष्टाचार के साथ कौन खड़ा है? चाहे वो कैश फॉर क्वेरी हो, चाहे वो और भ्रष्टाचार हो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, आप, ये सारे लोग भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सांस ले लीजिए। सवाल सवाल सीधा है, बात कर रहा हूँ, सवाल सवाल है, नहीं नहीं, सवाल सीधा है कि 2005 में आपने उनका रिएक्शन बताया, सही बताया, मैं थी वहां जब ये सब हो रहा था, लेकिन सुना नहीं गया, निष्कासन जो करना था वो कर दिया गया था। आज कौन सा सुना गया? हाँ, आज कौन सा सुना गया? 2005 में जो 2005 में जो प्रोसीजर सही था वो 2023 में गलत क्यों? क्यों रोना आज आ रहा है, तब क्यों नहीं आया था? अरे तब भी निकले थे, सुनिए, तब 10 थे, 6 बीजेपी के थे, 4 दूसरे दल के भी थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। ये न्याय होता है? ये न्याय होता है कि जिसने गलती की थी 10 को सजा मिली थी? ऐसा नहीं होता है कि आप एक रमेश बिदुड़ी को छोड़ देंगे और दूसरों को सजा दे देंगे। अगर 10 लोगों को सजा मिली थी, अलग अलग पार्टी से आते थे, अगर 10 के खिलाफ एक्शन होता तो इन्होंने नहीं कह देना था कि ये पूरा जो डेमोक्रेसी है खत्म हो गई है, संसद बर्बाद हो गया। अभी तो एक के खिलाफ जहां मेटीरियल सबूत था उस पर डिसीजन लिया गया है। अब 210 से जो 300 करोड़ हो गया उस पर तो कोई जवाब नहीं है। जवाब इस बात पर है आपने बोलने नहीं दिया। पहले आपने दसियों 10 को बोलने नहीं दिया था, उसका कोई जवाब नहीं। आज एक को क्यों नहीं बोलने दिया? एक के 10 क्यों नहीं थे? क्या ये सवाल रेलेवेंट है? या ये सवाल रेलेवेंट है कि ये किसकी लूट का पैसा है, किसके हक का पैसा है जो देसी शराब बेच बेच कर गरीबों से लिया जाता है? नाविका जी, पहली बात तो ये कि लोकेश जिंदल ने कहा कि ये कांग्रेसी सांसद का नहीं है, तो भैया आप विक्टिम कार्ड मत खेलना कि ये सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लोगों को ही ईडी तंग करती है। ये तो किसी पार्टी का नहीं है ना, ये पैसा किसी पार्टी का नहीं है आप कह रहे हैं, तो आप कम से कम ये आरोप वापस ले लेना जो अब तक लगाते रहे। दूसरी बात, एक नया चुटकुला मैंने अभी आज सुना कि अब नया मीम बनेगा कि एक घूंट लगाई और आपकी जेब से पैसा निकल करके साहू की जेब में चला गया। ये मीम चल रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया पे कि आपने एक घूंट लगाया यहाँ पे शराब का और वो किसकी जेब में चला गया? लोकेश जिंदल, किसकी जेब में गया वो पैसा? वो आप बताएंगे। तीसरी बात बड़ी साफ सी है नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब 150, 200, 500 करोड़ ऐसे मिलते हैं ना कि अब देश का एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, ये देश की जनता को, क्योंकि मैं और आप अब तो हम सब्जी तक पेटीएम से खरीदते हैं। और ये लोकेश जिंदल कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो कैश का बिजनेस होगा, कुछ होगा तो रखा होगा। भैया 300 करोड़ कैश घर में रखा, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप उसको जायज ठहरा रहे? और अभी दूसरे चैनल पे ये कह रहे थे कि ये तो गलती किसकी है? गलती साहू की थोड़ा है, गलती तो उस आदमी की जो ऑडिट कर रहा था, जिसने इसको पकड़ा नहीं पहले, जिसने 300 करोड़ रुपए तक खर्च इकट्ठे करने दिए गए। मतलब ये अजीबो गरीब वक्तव्य दे रहे हैं इस फ्रस्ट्रेशन में, तीन सरकारों, तीन राज्यों की हार के पश्चात, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं ये उसकी गलती थोड़ी ना, 300 करोड़ रुपए क्यों इकट्ठे करने दिए? ऑडिट को क्यों नहीं, ऑडिटर को पकड़ो, इसको मत पकड़ो, ऑडिटर को पकड़ो। लोकेश जी आपके बीच में नहीं बोला था, लोकेश जी आपके बीच में नहीं बोला था। तीसरी बात बड़ी साफ है महुआ मोहित्रा के संदर्भ में कि अभी पता क्या कहा गया कि क्या कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं अरे कोई भी बाहर से आता है तो गिफ्ट ले आता है तो कोई मना थोड़ा ना करता है, गिफ्ट लेना कौन सा हो गया, कैश नहीं मिला। भैया बात सुनो, गिफ्ट लेना नहीं है अपराध, आप गिफ्ट और लीजिए, लेकिन गिफ्ट लेने की एवज में आप एक बिजनेसमैन के कहे हुए, बताए हुए, फ्रेम किए हुए सवाल जब आप लोकतंत्र के मंदिर में पूछते हैं तब है ये गिफ्ट, कमाल तब है ये वाली बातें करते हो आप। क्विड एंड प्रो, अभी भैया एसटी का रेट था या सीबीआई का रेट था? ये लोकेश तुम हार चुके हो ना, अभी थोड़ी देर सुन लो, कर रहे हो इतने सम्मानित व्यक्ति हो आप, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप। क्या अच्छा,
क्या बच्चों जैसी बात है लोकेश जिंदल, बताइए ऐसी कौन सी बात अग्निजेश जी ने कही है जो आप कह रहे हैं बच्चों जैसी बात। नाविका जी, ये रेड क्या सीबीआई द्वारा कंडक्ट की गई थी क्या? अगर सीबीआई रेड कंडक्ट करती है उसका अर्थ ये होता है कि किसी प्रकार का राजनीतिक करप्शन है, लेकिन ये जो रेड कैरी आउट की गई थी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स द्वारा की गई थी, इसका मतलब है टैक्स इवेजन हुआ है। तो टैक्स अच्छा आप कह रहे हैं अगर 300 करोड़ का टैक्स इवेजन हो तो वो कोई क्राइम नहीं है, वो धड़ल्ले से इस देश में लोगों को करना चाहिए। अगर सीबीआई या ईडी जाए तभी कोई करप्शन का मामला बनता है। अब टैक्स इवेजन कोई करप्शन नहीं है, टैक्स इवेजन कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, पैसे में आप दे दीजिए थोड़े से पेनल्टी और आप पैसे की पेनल्टी दे दीजिए, टैक्स की पेनल्टी दे दीजिए और हाथ झाड़िए घर चले जाइए। 300 करोड़ पर कोई सवाल नहीं। शहजाद पूनावाला जी जवाब देखिए, कितना हास्यास्पद है कि 50 Shades ऑफ काला धन है, मतलब इनकम टैक्स में निकला हुआ काला धन तो ठीक है वो तो स्वीकार्य है, परंतु तो अगर कोई भ्रष्टाचार के करप्शन वाले मामले में काला धन होता तब लोकेश जी बोलते नहीं नहीं ये बहुत बुरा है। मतलब इस प्रकार के तर्क दे रहे लोकेश जी, बीच में मत बोलिए लोकेश जी, बीच में मत बोलिए लोकेश जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं पर अपने समय पर बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए दूसरी बात अभी भाई प्लीज बीच में मत बोलिए। देखिए दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अब अनुराग भदौरिया ने बोला कि ऑन कैमरा उन लोगों ने वो पकड़े गए थे, मान्यवर वो तो डिनाई कर रहे थे, पर महुआ मित्रा ने तो ऑन कैमरा कहा कि हाँ मैंने लॉगिन दिया है विदेशी धरती पर, 47 टाइम्स वो लॉगिन यूज हुआ है। ये तो केवल भ्रष्टाचार का नहीं, कैश लेने का और काइंड लेने का मामला नहीं है, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि जो बिल्स ड्राफ्ट बिल्स लोड हुए थे उसकी एंट्री उसकी आपने पासवर्ड किसी व्यक्ति को दे दी जो फॉरेन सॉइल पर है, ये तो देश से खिलवाड़ करने का मामला है। तो अनुराग भदौरिया जी आप तो प्रखर राष्ट्रवादी और इतने ईमानदार नेता, आपके यहां से भी कभी टोटियां मिलती कभी कुछ और मिल जाता है, बताइए ना आपका स्टैंड क्या है इसमें, ये तो ऐसे नेता है। नहीं नहीं मैं उनके स्टैंड लूंगी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त तौसीफ खान भाई भी हैं। तौसीफ खान भाई, मेरा सवाल इतना है कि रोज इस तरह के तर्क आते हैं, राहुल गांधी इंडी गठबंधन सब कहते हैं अरे भाई पंखा चलाओ तो चीन को पैसा जाता है, बिजली जलाओ तो अडानी को पैसा जाता है, अब यहां नोटों के बंडल पर बंडल, शराब पियो तो किसको पैसा जाता है, ये जो एक एक घूंट पीकर पैसा जाता है और किसके किसकी जेब से जाता है, इस पर कोई मोरालिटी है कि नहीं? देसी शराब जो है वो अगर गरीब नहीं पी रहा, जो पौआ है वो गरीब नहीं पी रहा तो कौन पी रहा है? और गरीबों को लूट कर इतना इतना कैश अलमारियों में भरना, इस पर आपके दिल में कहीं दर्द हुआ? देखिए नाविका जी, जो पैसा रिकवर हुआ है कांग्रेस के नेता के रिश्तेदारों के घर से, वो उनका जवाब देंगे कि वो कैसा पैसा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात बोला कि भ्रष्टाचार का आरोप जो लगाया जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाया जाता है अदानी के खिलाफ, वो केवल राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा ने ही उठाया है संसद में लगभग, और ये जब सवाल उठाते हैं तो इनके पीछे बेसिस होता है। खुद जब एयरपोर्ट दे दिए गए अंबानी को अदानी को, तो उस वक्त खुद गवर्नमेंट एजेंसी सलाहकार ने बोला, रेगुलेटरी बॉडी ने बोला कि ये हमारे रूल्स के वायोलेशन करते हुए इनको एयरपोर्ट दे दिया गया, और इस बेसिस पे महुआ मोइत्रा ने, राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने आर्टिकल्स लिखे, और क्या बेसिस बना? हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जिसमें पैसे के हेरे फेरे की बात है, जिसमें आपको बाहर पैसा भेजने की बात है, शेयर्स की बात है, इस पे क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस पे अगर महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया उनका कसूर क्या है? महुआ मोइत्रा ने यह जुर्रत किया कि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अदानी के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया और उसका बेसिस भी बताया, तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट एजेंसीज ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये केवल अपोजिशन के खिलाफ ही यूज किए जाएंगे? भ्रष्टाचार सिर्फ अपोजिशन करते हैं क्या? अदानी जो है बिल्कुल धुले हुए हैं दूध के, क्या उनपे भ्रष्टाचार के ये जो आरोप लगते हैं क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को सुना होगा, आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुना होगा
सुना होगा आज आज जो आज जिस प्रोसीडिंग के तहत महुआ मोहिता को बाहर निकाला गया वो तो कंगारू कोर्ट का प्रोसीडिंग है ना। अच्छा कंगारू कोर्ट का प्रोसीडिंग तो 10 जब निकाले गए थे 2005 में वो कंगारू कोर्ट नहीं था, वो कंगारू कोर्ट नहीं था। और पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, पब्लिक पूछ रही है सवाल। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, देश के अर्थनीति को मजबूत करना है तो काले कारोबार को बंद करना जरूरी है। क्या ईडी और आईटी की कार्रवाइयां देश को मजबूत बना रही हैं? फिर क्या दिक्कत है लोकेश जिंदल जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, अगर हमें काला धन रोकना है तो हमें कंपनीज के नियम सख्त करने होंगे, हमें ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल करना होगा। हम सब जानते हैं कि आज हमारे अकाउंट में कोई भी लेन देन होता है, एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो एक प्रश्न पूछता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हो। आज के वर्तमान दौर में सरकार कोई नियम नहीं लेके आती कि कोई ऑडिटर अकाउंटेंट को लायबल ठहराया जाए कि ऐसा जो है कैश में ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, या फिर कोई भी जो मनी है उसको कैश में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है। देखिए, इसका जो जवाब है वो आईटी ईडी रेड भी आवश्यक है, लेकिन वो जुर्म होने के बाद की बात है। लेकिन इसे रोका कैसे जाएगा? रोका जाएगा नियम द्वारा, और जो सरकार को लाने पड़ेंगे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ये नियम लाएगी? 2013 में कांग्रेस कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेकर एक सख्त नियम लेकर आई थी जिसके तहत ऑडिटर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था, लेकिन आज वो सारे के सारे नियम डाइल्यूट कर दिए गए हैं। मैं सरकार से फिर अपील करता हूं कि इसमें ऑडिटर की लायबिलिटी लाई जाए और कॉर्पोरेट्स को और रिस्पॉन्सिबल किया जाए। वाह, उपदेश अच्छा है, लेकिन जवाब 300 करोड़ का नहीं है। शहजाद पूनावाला जी, नाविका जी, अभी देखिए अभी क्या कहा उन्होंने कि अडानी पकड़ा गया लोकेश। नाविका जी मैं बोल लूं अपनी बात, वो कानून बनाएगा। नाविका जी मैं अपनी बात रख लूं, लॉ मेकर। नाविका जी अपनी बात रख लूं मैं जी। देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा कि अडानी के करीबी दोस्त है मोदी, इसलिए महुआ पे कार्रवाई हुई। तो फिर अडानी करीबी दोस्त है उनके, तो ममता बनर्जी ने ताजपुर पोर्ट क्यों दे दिया भाई, और क्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दे दिए गए? अच्छा देखिए उन्होंने क्या कहा, भ्रष्टाचार क्या? एक सेकंड तौसीफ जी, मैंने आपके बीच में बोला नाविका, 10 सेकंड मिलता है मुझे आपके शो पे केवल। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ ऑपोजिशन करता है क्या? देखिए आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तौसीफ जी और मैं कभी नहीं बोलता नाविका जी, पर मेरे तो हर 10 सेकंड में बोला जाता है। अनुराग जी और तौसीफ जी, तो जनता सुन नहीं सकती आपके जवाब, तो एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मैं सबको समय दूंगी, म्यूट में करना नहीं चाहती किसी को, मैं सबको समय दूंगी। आप जानते हैं मैं सबको समय दे, मेरा नाम क्यों ले रहे? मैं तो बोला ही नहीं हूं अभी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप इतने अच्छे हैं, आपका नाम हमेशा मुंह पर आ जाता है, क्या करें। शहजाद जी देखिए उन्होंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ ऑपोजिशन वाले करते हैं तो हमें क्यों पकड़ते हैं? अरे 2014 से पहले कौन पकड़ा जा रहा था? आरजेडी सपा पे केस शुरू था, टीएमसी पर केस थे, डीएमके पर केस थे, और आज भी उन्हीं पर केस है। तो सत्ता के पहले भी सत्ता के बाद भी आपका चरित्र भ्रष्टाचार करना। और आखिरी बात नाविका, एक ट्रेंड देखिए, नाविका एक ट्रेंड देखिए, हर 5 सेकंड में कोई इंटरप्ट करता है भाई। नाविका एक ट्रेंड देखिए, नाविका कैसे मैं हर 5 सेकंड में इंटरप्ट, हर 5 सेकंड में। नाविका एक ट्रेंड देखिए, शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में और झारखंड में, जॉब स्कैम घोटाला टीएमसी के राज्य में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये दोनों जगह शराब और जॉब घोटाला दोनों जगह होता है। मतलब ये इंडी गठबंधन का प्लान है, और इसलिए इंडी गठबंधन आज जब ये शराब घोटाले से निकला हुआ पैसा बाहर आ रहा है तो उस पर बोलने को कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी और बाकी दल भी इसमें शामिल है, इसलिए वो बोल नहीं पाते। बिल्कुल, दिलीप बखाई का कोलकाता से सवाल है, 2 दिन पहले तक इंडी अलायंस में दरार दिख रही थी और आज महुआ मोइत्रा मामले पर विपक्ष एक हो गया, ये क्या बात हुई? अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, विपक्ष द्वारा इस तरह के भ्रष्टाचार की तुलना अन्य मुद्दों से करना कहां तक उचित है? राजेंद्र रलहन दिल्ली से पूछ रहे हैं, आज सोनिया गांधी का महुआ मोइत्रा का सपोर्ट करते देख क्या ये कंफर्म नहीं हो गया कि मोदी जी का विरोध केवल भ्रष्टाचार छुपाने के लिए है? पहले दो सवालों का जवाब अनुराग भदौरिया जी आप, और फिर लोकेश जिंदल जी को पूछ। देखिए नाविका जी, आपको पहले बताया था फिर बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है,
जब अन्याय होगा तो हम एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अन्याय अगर पार्लियामेंट के अंदर होगा, अगर रमेश जी सुनिए बोलने दीजिए ना, रमेश जी बीच बीच में नाविका जी अन्याय हो रहा है, अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने लगेंगे, बीजेपी नहीं बोलेगा तो आप बोलेंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ रमेश बिदुड़ी को पार्लियामेंट के अंदर में उसने अपमान किया संसद का, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं की और मोहम्मद्रा को आप निकाल देते हो। यही 2005 में 10 सांसदों को निकाला गया था जिसमें 6 बीजेपी के थे और 4 एक कांग्रेस का था, 3 बीएसपी के थे, आरजेडी के भी थे, क्योंकि न्याय हुआ था, सभी लोगों को बराबर आंखों से देखा गया था, 10 के 10 निकाले गए थे। आज रमेश बिदुड़ी के ऊपर आप एक्शन नहीं लेते हो, मोहम्मद्रा पर एक्शन ले लेते हो, यह है सवाल, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हो समाज में, आप अन्याय कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर। रमेश बिदुड़ी के ऊपर अनुचित बोलने का, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का आरोप है और दूसरी तरफ लॉगिन देकर कैश फॉर क्वेरी का सवाल है। आप दोनों को एक साथ कैसे देख सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लोकेश जिंदल जी जनता समझ रही है, अनुराग भदौरिया जी जनता समझा भी रही है आपको, आप है कि समझने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन लोकेश जिंदल जी क्या करप्शन के मुद्दे को बचाने के लिए ही इंडी गठबंधन एक साथ आई है, ये जनता पूछ रही है। नाविका जी, मैं जनता के समक्ष एक बहुत अहम पहलू रखना चाहूंगा। प्रश्न ये उठता है कि महुआ मोहित्रा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इलीगल ग्रेटिफिकेशन लिया, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, दर्शन हीरा नंदानी पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों प्रिविलेज कमेटी को यह मामला नहीं सौंपा गया, क्यों दर्शन हीरा नंदानी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि कानून के तहत जो भी व्यक्ति रिश्वत देता है या किसी भी प्रकार का ग्रेटिफिकेशन देता है वो उतना ही दोषी होता है। ये पूरे प्रकरण के अंदर अगर हम नियम कानून व्यवस्था प्रेसिडेंट सबकी बात करते हैं, इन सब का उल्लंघन हुआ है, अगर उल्लंघन हुआ है तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं लोकेश जिंदल जी, लेकिन संसद के पास रूल्स के हिसाब से चलने का सिर्फ नॉर्म होता है। और अवनीजेश अवस्थी जी, अब मैं आ रही हूँ शहजाद जी, अवनीजेश अवस्थी जी ने पहले हाथ उठाया था, बोलने तो दीजिए, नहीं अवनीजेश अवस्थी जी ने पहले उठाया था, बोले नहीं है, बोलने दीजिए। संसद जेल भेजने के लिए नहीं बनी होती, क्या आप कह रहे हैं दर्शन निरंजन गांधी ने भी किया है, संसद ने अपने सदस्य को जिसने ये गलती की है उसको संसद से बाहर निकाला है, अभी FIR बाकी सारी चीजें होंगी, अभी बाकी सारी चीजें भी होंगी, एक छोटा सा मोबाइल फोन है, इस पे ईमेल अगर इसकी बजाय मैं किसी दूसरे डिवाइस से करता हूं ना तो उसमें आता है, गूगल से आता है कि ये डिवाइस आप ही कर रहे हैं या गलत है, आपको मालूम नहीं चल रहा कितनी बड़ी बात की है। बिल्कुल शहजाद पूनावाला, एक बात शहजाद पूनावाला, नहीं बाकी सब चुप, शहजाद पूनावाला आप अपना पॉइंट रखें शहजाद जी। देखिए उन्होंने अभी कहा कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, तो प्रेनीत कौर ने तो साथ में वोट किया इसके, वो क्या साथ में थी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई। और दूसरी बात, ईडी सीबीआई की कार्रवाई जब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर होती है तब ये लोग तालियां बजाते हैं, बताइए अनुराग भदौरिया वो कार्रवाई सही है गलत है, आप तो इंडी में है ना, बताइए कांग्रेस सही है जब वो कहती है ईडी सीबीआई की कार्रवाई संजय सिंह पर सही है, या आप संजय सिंह के साथ है जो कहते हैं कि गलत है वो कार्रवाई। कितना चिंता करते हो, मैं तो नहीं बोलता कि भाई, अरे आप अपना जवाब कभी तो जवाब दे दीजिए, कभी तो जवाब दे दीजिए, मैंने नहीं पूछा, कभी तो जवाब दीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने कभी तो जवाब दीजिए, शिवसेना सिंधे को आप कितनी सीट देने वाले हो, छोड़ दीजिए सीटों का मामला नहीं है यहां पे, कितनी सीट देने वाले हो, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई का छोड़ के चला गया, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई का सवाल है, मैंने पूछा क्या जी आपके प्रोसेस नहीं आएगा, आपको जनता ने वोट दिया, आप जनता की चिंता करो ना, जनता को कैसे, अनुराग भदौरिया जी एक सिर्फ लोग अपने पैरों पर लाइटर नोट पे एक चीज कहना चाहती हूँ, अनुराग भदौरिया जी लाइटर नोट पे एक चीज कहना चाहती हूँ, क्या हो रहा है अनुराग भदौरिया जी, अच्छी बात कह रही हूँ सुन लीजिए, लाइटर नोट पे कह रही हूँ, आपसे कोई भी सवाल पूछो आप जवाब कुछ और देते हैं, ऐसे लगता है लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो। भानु पी राजपूत का थाने से सवाल आ रहा है, धीरज साहू पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जवाब क्यों नहीं देते। केतन पारेख का कैलिफोर्निया से अमेरिका से सवाल आ रहा है, क्या विपक्ष को यह अंदाजा है कि अगर विपक्ष भ्रष्टाचार पर ऐसा ही रवैया रखेगा तो मोदी जी 2024 में 400 प्लस सीट नहीं ले आएंगे। माणिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, जब एथिक्स कमेटी के सामने जवाब देने का समय था
जब गुस्से में महुआ मोइत्रा बाहर चली गई, आज जब फैसले का समय आया तो समय नहीं दिया कह रही हैं। ऐसा क्यों? मुकेश सांगी का हैदराबाद से सवाल है। अनुराग भदौरिया से पूछा गया 300 करोड़ का सवाल, वो घुमाकर दिल्ली मुंबई पहुंच गए। भैया असल सवाल पर जवाब कब देंगे? आप देखिए पब्लिक भी समझ रही है। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल, क्या आईटी ईडी के सफल छापे ये नहीं दिखाते कि एजेंसियों के दुरुपयोग का जो इल्जाम विपक्ष लगाता है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है? तौसीफ खान, ये मैं पूछना चाहती हूँ, जब पैसे मिलते हैं, जब एथिक्स कमेटी के सामने आपको सवालों के जवाब देने का, अपना रुख प्रेजेंट करने का समय मिलता है तो आप नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। अब पैसे मिलते हैं तो कोई नहीं कह रहा कि भाई ये ईडी सीबीआई आईटी रोज क्यों आ जाते हैं? अरे भाई इसलिए आते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं ना अलमारियों में से। नहीं, महुआ मोइत्रा के पास से तो पैसे का कोई मामला एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ना ही एफिडेविट में, ना ही कमिटी के तरफ से कि हाँ कैश लेन देन हुआ, ऐसा कोई मामला ही नहीं है महुआ मोइत्रा के मामले में। अगर आपका रेफरेंस है रांची के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस की तरफ से, उनके फैमिली के कंपनी से रिलेटेड जो भी वहां पे रेड हुआ, तो मैंने कहा है कि बेशक आईटी को अपना कार्रवाई करना चाहिए, आईटी को बिल्कुल पूछताछ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिल्कुल पूछताछ करना चाहिए, और उसका पैसे कहां से आए, क्या वो अनअकाउंटेड है या वो लेजिबल लेजिटिमेट इनकम है, वो उसका जवाब देंगे जो राज्यसभा के एमपी पे, कांग्रेस पे जो आप कह रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो इल्जाम करप्शन के बीजेपी के नेता पे लगते हैं या बीजेपी के दोस्तों पे लगते हैं या अदानी पे लगते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप ये तो नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ वैसे केसेस को परस्यू करेंगे जिसमें बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा हो। अगर अदानी के खिलाफ कार्रवाई लेते हैं तो इसमें धीरज साहू केस में या महुआ मोइत्रा केस में पॉलिटिकल फायदा आपको होगा शहजाद पूनावाला, इसलिए ये केस आपको नहीं फॉलो करने चाहिए। पैसे वहीं रहने चाहिए और बढ़ने चाहिए वहां पर। मुझे याद है जब पार्था के और उनके दोस्त के घर से पहाड़ निकला था पैसों का, तब उन्होंने बोला ये पैसा हमारा नहीं है। तो पैसा जब मिलता भी है तब कहां स्वीकारते हो आप? और आखिर में जब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा तब जाकर पार्था को निकाला आपने, तब तो पैसा मिला था ना। और महुआ मोइत्रा ने हर्मीस स्कार्फ और बॉबी ब्राउन वगैरह का मेकअप लिया, ये क्या मुफ्त में आता है? हर्मीस का तो दाम आपको पता होगा, आप लोग तो यूज भी करते होंगे, हम लोग को तो कहां ही पता है, पर वो क्या मुफ्त में आता है? मतलब जनता के सवाल नहीं पूछ रहे हो, बिजनेसमैन से कुछ लेकर सवाल पूछ रहे हो, ये कैश फॉर ये काइंड फॉर क्वेरी है। एनीवे वो सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है आज तौसीफ जी से कि तौसीफ जी बताइए ना कि क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसे भ्रष्टाचार के सबूत सामने सामने मिले हैं तो क्या उनको स्टैंड नहीं लेना चाहिए? आम आदमी पार्टी को स्टैंड नहीं लेना चाहिए? भाई क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या होता है आप समझिए और समझाइए। अच्छा, कौन सा महुआ मोइत्रा के कौन से, महुआ मोइत्रा ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए कौन सा ऐसा फायदा हीरन अंदानी को पहुंचाया? 60 में से 51 प्रश्न उसके फेवर के पूछ लिए। अदानी के खिलाफ सवाल क्या? 60 में से 51 सवाल, अदानी के खिलाफ सवाल करने का बेसिस है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, अदानी के खिलाफ सवाल करने का बेसिस है रेगुलेटरी बॉडी की। और महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आप सवाल उठा रहे हैं वो उसका बेसिस है 104 पेज का एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट, पढ़ लीजिए। उस पर दर्शन हीरा नंदानी जी ने एक एफिडेविट दिया है, एक मुझे इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उन्हें कबूल किया है। संसद उन्हें नहीं बुला सकती, इसके लिए कार्रवाई और भी है जिसके लिए सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर ली है। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, इंतजार करिएगा क्योंकि ये बात यहीं खत्म नहीं होने वाली।